किसी ने ब्रांड न्यू गाड़ी ली है तो उसकी पूजा वूजा कराने के लिए लोग यहाँ पे झूले झूल रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं पूरा प्रॉपर। ये देखिए ये जो ये हट बनी है इसमें भी ओम का पूरा वर्क हो रखा है। तो ये इमेजिन करिए कि ये नदी है और ये आप यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। तो और बेसिकली ये हिडन है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, बहुत कम ब्लॉगर्स ने कवर भी किया है। What is up my lovely family, welcome back to brand new fresh से vlog में आपका स्वागत करते हैं, day 2 में आपका स्वागत कर रहे हैं। तो आज के दिन हम लोगों ने ये सोचा है, मेरी और टेक्नो भाई की बात हुई थी तो अभी मैंने लोगों ने हम लोगों ने अरे यार मार, तो आज हनुमान धाम एंड हनुमान सेतु जो कि यहाँ का फेमस लखनऊ का आई गेस बहुत फेमस मंदिर है, तो उस मंदिर में आज हम लोग विजिट करने वाले हैं। तो ब्लॉग को चलिए शुरू करते हैं ना, आपको मंदिर दिखाते हैं एंड हनुमान सेतु एंड हनुमान धाम जो है एक नया मंदिर बना हुआ है, तो हिडन प्लेस है लखनऊ के, तो उसके बारे में आपको डीपली बताते हैं। राइट, तो हम लोग पार्किंग एरिया में आ चुके हैं एंड बाइक जो है अपनी वहाँ पर पार्क कर दी गई एंड ये जो है जस्ट सामने आपको दिख रही है गोमती नदी है और ये है हनुमान सेतु मंदिर, लखनऊ का काफ़ी पुराना मंदिर जैसे कि अपने टेक्नो भाई बता रहे हैं। लखनऊ से इन्होंने बताया कि ऐसा कोई जन नहीं होगा जो कोने कोने से यहाँ पे विजिट करने ना आता हो। और सबसे स्पेशल चीज़ तो बताओ इनको कि अभी हम लोग नया मंदिर दिखाएंगे जो कि किसी को नहीं पता, वो कि हिडन प्लेस है वो मैंने बता के रखा है। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन वर्शन करते हैं एंड उसके बाद चलते हैं उस वाली प्लेस पे। ये भी ये मेट्रो ऊपर से निकल ली, तो आपको अगर आना है तो नियर बाई यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पड़ता है, KD सिंह स्टेडियम पड़ता है एंड विश्वविद्यालय इस साइड विश्वविद्यालय पड़ेगा, इस साइड KD बाबू पड़ेगा, तो आप वहाँ से मेट्रो से यहाँ तक आ सकते हैं। और अभी देखिए किसी ने ब्रांड न्यू गाड़ी ली है तो उसकी पूजा वूजा कराने के लिए आ गया है और ये खड़ी है अपनी बाइक। तो चलते हैं मंदिर के अंदर एंड दिखाते हैं आपको ब्लॉग। मेन एक ही मंदिर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी लोग फिलहाल प्रसाद वगैरह ले रहे हैं, अंदर चलते हैं। तो आरती के टाइमिंग यहाँ पे दी गई है, शिव जी की आरती, दुर्गा जी की आरती, राम जी की आरती, गणेश जी की आरती और हनुमान जी की आरती, पूजनी बाबा जी की आरती अलग अलग टाइमिंग पे होती है। तो यहाँ पे आप निशुल्क जो है जूते चप्पल निकाल सकते हैं, हम लोगों को टोकन मिला है, अभी दिखाते हैं आपको। हमारा प्रसाद है ये यहाँ पर चढ़ा के जा रहे हैं। ऑलराइट बॉयज, तो हम लोग मंदिर के जस्ट अभी बाहर निकले हैं, काफ़ी अच्छी वाइब रही, हनुमान चालीसा इवन मैंने पढ़ा एक बार और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब यहाँ पे बैठने की अच्छी वाइब है, यहाँ पे जो है म्यूज़िक एक जो है वो प्ले होता रहता है, मतलब लाइक हनुमान चालीसा या हनुमान जी का जो संगीत रहता है उस टाइप के गाने डिफरेंट प्ले होते रहते हैं। तो आप आके यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे तो आपका मन को बहुत शांति मिलेगी, बहुत रिलैक्स मिलेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग दूसरे वाली मंदिर पे चलते हैं जो कि बहुत हिडन प्लेस है और अभी इवन जुलाई या जून में ही नेक्स्ट नया मंदिर बना हुआ है, तो चलते हैं वहाँ पे एंड वहाँ का मंदिर आपको दिखाते हैं। तो हम लोग दूसरे मंदिर में आ चुके हैं एंड ये जो है हिडन मंदिर है, अभी लेटेस्ट बना हुआ है, तो एक बार बैक चेक करिए इसका। ऊपर ब्यूटीफुल से शंकर जी का शिवलिंग है और ये है मेन टेम्पल, सामने हनुमान जी विराजमान है और काफ़ी भीड़ हो रखी है यहाँ पर। टेक्नो भाई अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं तो इनका भी व्लॉगिंग चैनल आप चेक कर सकते हैं और ये भी काफ़ी अच्छा सिनेमैटिक वीडियो एंड ब्लॉग डालते हैं तो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग अंदर चलते हैं, दर्शन वर्शन करते हैं, यहाँ के बारे में कुछ जो विशेष चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ऑलराइट, तो किसी भी मंदिर से आप स्टार्टिंग करेंगे तो गणेश जी सबसे पहले विराजमान होते हैं, तो ये हैं गणेश जी। फिलहाल हम लोग अंदर चलते हैं। ये जगह पर एक जगह लोकेशन लिया गया था ना, तो लड़के लोग कह रहे थे कि वहाँ तक जो है बाइक नहीं पहुँच पाएगी, बल्कि ऑन जो गेट है ना वहाँ पर हमने एकदम गेट पर ला के बाइक खड़ी करी है। तो इन सब फ्रॉडों से बचें पहली बात तो, और क्लॉक टावर होटल एंड जस्ट उसके जस्ट पीछे पड़ता है, इस मंदिर के जस्ट पीछे हैं अपनी गोमती नदी पड़ती हैं। तो फिलहाल हम लोग ये कितना पीसफुल एरिया है, बहुत ही शांतिपूर्ण और यहाँ पे जो है काफ़ी आप बैठ के चिल आउट कर सकते हैं, घास वास लगी, एकदम शांत प्रिय जगह है। तो इसके बाद पहले मंदिर हम लोग चलते हैं, मंदिर के बाद हम लोग नीचे साइड में चलेंगे नदी के किनारे और उसके बाद देखते हैं आगे का सीन। ये देखिए व्लॉगिंग चल रही है, हनुमान जी यहाँ पे लेटे हैं, विराजमान हैं, शंकर जी की शिवलिंग जस्ट अपने हेड पे लगाए हुए हैं, ये हैं शंकर जी, तो ये है शंकर जी की मूर्ति एंड जस्ट
पीछे जो है राम जी भी यहाँ पे हैं मेन मंदिर के अंदर, और ये हैं हनुमान जी मेन टेंपल। एंड ये बैक डोर पे है, बैक डोर फिलहाल बंद है इस टाइम, और चलते हैं बाहर की तरफ। देखिए एक बार सुंदरता इस जगह के गुम्बद पे, येलो कलर की बहुत बढ़िया से वॉर्म से लाइट लगी है, एंड गदा जो है काफ़ी खूबसूरत, ये सारे स्टोन का भी वर्क हुआ है। देखिए जैसे कि यहाँ पे एलिफेंट के स्टैचूज, और ये बेसिकली नौ ग्रह यहाँ पे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और यहाँ पे हनुमान जी काफ़ी अलग अलग शेप के हैं, जैसे कि यहाँ पे वीणा बजा रहे हैं, यहाँ पे अपना चेस्ट जो है वो चेस्ट में राम सीता जी हैं, और यहाँ पे एक साइड हनुमान राम जी हैं एंड एक साइड लक्ष्मण जी हैं इनके ऊपर, और बहुत अच्छी वाइब्स है यहाँ पे, एंड काफ़ी सन्नाटा है और बहुत अच्छी रिलैक्स जगह है ये। मंदिर का ये बैक साइड है, मेन मंदिर है यहाँ पे, एंड यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं नदी की तरफ। हाँ क्या बता रहे थे, ये कितने हजार हजार में कुछ है, 1000 कुछ। तो ये देखिए हनुमान जी जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये भी हनुमान जी ही है ऊपर, और इसको रिनोवेट किया गया है फिलहाल 2022 में जून में, और ये मंदिर 2014 या कुछ टाइम पीरियड का है, काफ़ी पुराना मंदिर है। तो इसको आदि योगीनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री ने इसको इसका शिलान्यास किया था। ऑलराइट, तो अभी नीचे की तरफ चलेंगे, तो राधा कृष्ण मंदिर है वो नीचे है। क्या कह रहे थे भाई, यहाँ पे सबसे अच्छी जगह ये है, सबसे सुंदर, एकदम प्यारी से कुछ झूले वूले लगे हैं सामने, जस्ट रिवर फ्रंट बना हुआ है एंड उसके आगे गोमती जी हैं, तो आप यहाँ से बैठ के एकदम चिल आउट मार सकते हैं, एकदम फुल एकदम टायर्ड जब भी कभी भी हों आप यहाँ पे आके बैठ के मंदिर में एकदम शांत जगह आइए, तो आपको काफ़ी अच्छा अनुभव होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग राधा कृष्ण मंदिर की तरफ चल रहे हैं। ये है खूबसूरती इस मंदिर की, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ताल टाइप का है, कुछ लोग यहाँ पे झूले झूल रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं पूरा प्रॉपर, और इसके पीछे कुछ मेला वेला लगा हुआ है, और इस साइड गार्डन एरिया है, तो आप आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे। और बाकी वो जो देख रहे हो छतर मंजिल है यहाँ की सबसे पुरानी, ये उसको भी हम लोग कवर करेंगे कभी। तो फिलहाल ये देखिए, ये जो ये हट बनी है इसमें भी ओम का पूरा वर्क हो रखा है, तो ये एकदम यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। सरस्वती जी यहाँ पे हैं इस साइड, और इस साइड भी कोई देवी माता है, और क्या खूबसूरत जगह है यहाँ पे, आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छी है। शंकर जी बैठे हैं एकदम टॉप पे, और ये सामने मेट्रो का है, मेट्रो चल रही है इवन यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं एक बार कहूँगा आप जितने भी लखनऊ के जितने भी लोग हैं, आके इस खूबसूरत से मंदिर का एक बार विजिट ज़रूर करें। तो मैं फ़िलहाल थोड़ी बहुत ठंड होना स्टार्ट हो चुकी है, एंड ये जगह जो है काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पे इवन घास वगैरह लगी थी जो कि सूख चुकी है पूरी तरीके से। फिलहाल ये मंदिर का जो बैक साइड है वो आप लोग देख सकते हैं, और काफ़ी खूबसूरत और रिलैक्स करने वाली जगह। आप ये क्रॉस करेंगे, एक इस साइड आपको तालाब टाइप का मिलेगा, कुछ साइड मिलेगा, तो अभी फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। राधा कृष्ण मंदिर इस साइड ऊपर टॉप पे है। तो आप लोग जस्ट पीछे देख रहे हैं वो राधा कृष्ण मंदिर है, एंड मंदिर ये भी हम लोगों ने विजिट कर लिया है, दर्शन कर लिए प्रॉपर। आप बैक साइड पे चलते हैं, गोमती के साइड चेक करते हैं, अभी फिलहाल अंधेरा हो चुका है तो उतनी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन लिटिल बिट हम लोग ट्राई करेंगे। मंदिर के नीचे ये है, मंदिर के नीचे साइड वाली जगह, और यहाँ पे जस्ट बगल में रिवर है, एंड ये है पार्क, तो काफ़ी खूबसूरत बना है ये, और ऐसे कुछ हट्स बने यहाँ पे बैठने के लिए, एंड काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। तो फिलहाल ये है हमारी गोमती नदी, जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है इस टाइम, काफ़ी गंदी है, हाँ बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। तो सामने एक झूला लगा है, मतलब कत्की का मेला चल रहा है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे बहुत जल्द। तो ये बैक साइड है एकदम नदी, ये आप समझिए, इमेजिन करिए कि ये नदी है और ये आप यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। और बेसिकली ये हिडन है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, बहुत कम ब्लॉगर्स ने कवर भी किया है इसको। साइड चेक करिए, इस टाइम बढ़िया पेड़ वेड़ लगे हैं, एंड इस साइड जो है घास वास लगी है,
पूरा। इस साइड भी एक मंदिर है और ये है मेन मंदिर और काफ़ी खूबसूरत और ब्यूटीफुल सा मंदिर है ये। तो मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लखनऊ से हैं तो एक बार एक यहाँ पे आइए और शाम के टाइम आइए, वही 4 बजे तरफ आइए और पूरा यहाँ से आप बेहतरीन सा सनसेट भी इंजॉय कर सकते हैं जो कि इस साइड पे होता है। ऑलराइट, तो लगभग आधा एक घंटे हम लोग बैठे हैं नदी के किनारे एंड जो दिल को सुकून मिला है बहुत नेक्स्ट लेवल मिला है। फिलहाल ये मंदिर की लोकेशन और बाकी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, आ सकते हैं लोकेशन तक। और फिलहाल अपने इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं एंड आई होप आपको वीडियो एंड ब्लॉग अच्छा लगा है डे 2 की सीरीज़। तो नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्द आएगा, तो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे देखें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। इसी तरीके से बनाए रखें, प्यार, लव यू ऑल, बाय।